मैं डॉक्टर अनघा कुलकर्णी आज बच्चों में बुखार आना और उसके लिए हम होम रेमेडी क्या कर सकते हैं, उन्हें क्या खाना देना चाहिए, उनकी केयर कैसी लेनी चाहिए, ये बहुत शॉर्ट में बताना चाहूंगी। वैसे भी जब वेदर चेंज होता है तो छोटे बच्चों की इम्यूनिटी बहुत कम रहती है, इसीलिए उन्हें फीवर आ जाता है। ये वायरल फीवर तो रहता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर भी उसे पैरासिटामोल देते हैं और कोई तो एक एंटी एलर्जिक दे देते हैं। फिर उसके बाद में घर में आने के बाद क्या करना चाहिए, क्योंकि बच्चे का तो बुखार चढ़ता ही जाता है। अगर उसका 102 बुखार होता है तो हमें बहुत टेंशन हो जाती है, तो क्योंकि उसका अगर सर में बुखार हो जाता है तो उसे कन्वर्जन आ सकते हैं। इसीलिए बच्चों में बुखार आना, इसके लिए घर में बहुत ज्यादा केयर करनी पड़ती है। वैसे तो छोटे बच्चों को कुछ कहने को नहीं आता, वो रोते रहते हैं, उनकी आंखें लाल होती रहती है, बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन होता है उन्हें और खाना पीना भी छोड़ देते हैं। कभी कभी क्या होता है कि बच्चों को बुखार रहता है फिर भी वो खेलते रहते हैं, खाना पीना उतना छोड़ देते हैं। तो पहली एक बात आप ध्यान में रखिएगा कि अगर बच्चों को बुखार है, अगर 100 बुखार है तो ठीक है, 100 तक बुखार है तो ठीक है, और अगर बच्चे खेल रहे हैं और बच्चे खाना खा रहे हैं, कुछ तो पेट में ले रहे हैं, रो नहीं रहे, कोई कंप्लेंट नहीं कर रहे हैं कि पेट में दर्द है, सर में दर्द है, ऐसा कुछ कंप्लेंट नहीं कर रहे हैं, तो आप 100 तक अगर उनको बुखार रहता है तो आप पैरासिटामोल दे दीजिए। क्योंकि जब भी अगर ये बुखार जब भी आता है तो रात को आता है, आपको डॉक्टर के पास जाने के लिए कुछ घंटे रहते हैं डॉक्टर के पास जाने के लिए, तो आप घर में जो क्रोसिन रहता है, पैरासिटामोल की जो बॉटल रहती है आपके घर में, वो उसे बच्चे को जैसे आपने पहले दिया है उसी हिसाब से दे दीजिएगा। क्योंकि डोज तो मैं यहाँ पे बता नहीं सकती, क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चा छोटा है तो उसे ड्रॉप्स देने पड़ते हैं, बच्चा थोड़ा बड़ा है तो उसे उस हिसाब से देना पड़ता है। इसीलिए आप देख लीजिएगा कि पिछली बार आपने डॉक्टर से पूछ के उसे कितना दिया था, एटलीस्ट उतना तो आप दे दीजिए। लेकिन पहले देखिए आपके पास वो पैरासिटामोल की जो बॉटल रहती है उसकी एक्सपायरी पहले देख लीजिए। और एक बात देख लीजिएगा कि अगर ये पैरासिटामोल की बॉटल कहीं पिछली बार आपने खुली तो नहीं रखी, क्योंकि वो ढक्कन जो रहता है ना वो अच्छी तरह से बंद नहीं किया रहता है, तो वो जो दवाई होती है वो बाहर आई रहती है और उसको मतलब उसके ऊपर छोटे छोटे कीड़े भी रहते हैं और मक्खियां भी बैठी रहती है कभी, और चींटियां भी लगी रहती है। ये तो अक्सर पाया जाता है जब पेशेंट पहले वाली बॉटल्स लेके आते हैं तो गंदी बॉटल रहती है। तो देखिए पहले ऐसी कोई बॉटल है तो पहले साफ है कि नहीं वो देखिए, खोल के देखिए उसका स्मेल कैसा आता है देखिए, और बाद में ही बच्चे को दे देना। और एक बात, अगर बच्चे को आप थर्मामीटर जरूर अपने घर में रखना। अगर आपके बच्चे को 100 तक बुखार है और बच्चा एकदम पेल हो गया है और बिल्कुल सो रहा है, उसकी आंखें बिल्कुल ऐसे ड्राउजी हो गई है क्योंकि वो बता भी नहीं सकता ना, और ऐसा अगर है तो देखिए उसको अगर फीवर ज्यादा है तो अपना जो हैंकर चीफ रहता है, छोटा सा जो रूमाल रहता है, कॉटन का रूमाल लेना, वो नमक का पानी लेना और उसकी वो पट्टियां वो सर के ऊपर रखना, वो बड़े टॉवेल से पूरा शरीर पोंछना, ऐसा आप मत कीजिएगा, बच्चों को ठंडी लगती है। क्योंकि क्या होता है कि जब बच्चे को बुखार आता है तब घर में सबको मतलब ठंडी नहीं लगती, घर में फैन चालू रहता है, एसी चालू रहता है, इसकी वजह से। आप अगर बच्चे को बुखार है तो उसे नॉर्मल टेम्परेचर में रखिए, घर में फैन वगैरह मत लगाइए, एसी मत लगाइए। अगर बहुत ज्यादा धूप है तो फैन लगा सकते हो, लेकिन अगर धूप काल नहीं है तो आप फैन मत लगाइए। क्योंकि अगर आप उसे पोंछ रहे हो, आप अगर आप उसको पट्टियां रख रहे हो तो ऑलरेडी उसे ठंडा लग रहा है, तो और ज्यादा बाद में उसको काफी कफ और खांसी और कोल्ड हो सकता है। बच्चे को अगर खांसी और बुखार दोनों साथ में है तो डॉक्टर से पूछ के आपको उसे एंटीबायोटिक देना पड़ेगा। अगर उसको खांसी नहीं है, सर्दी नहीं है, तो कोई एंटीबायोटिक देने की कोई जरूरत नहीं रहती, तो डॉक्टर भी आपको पैरासिटामोल ही देने के लिए कहेंगे।
और वो उसमें कुछ दवाइयां ऐड भी कर सकते हैं। और एक बात मैं आपको बता देती हूँ कि अगर बच्चा दूध पीता है तो उसमें दूध में हल्दी डाल के जरूर दीजिएगा। और एक बात देखना कि उसका अगर पूरा दिन अगर बच्चा खाता नहीं है तो उसे डॉक्टर के पास इमीडिएट लेके जाना चाहिए। अगर बच्चा उस टाइम चाय भी पीता है तो चलता है, लेकिन उसे हाइड्रेटेड रखना, उसके पेट में कुछ ना कुछ तो जाना ही चाहिए, उसे ऐसा खाली पेट नहीं रखना। अगर कभी कभी होता है कि बच्चे बहुत बीमार रहते हैं और बिस्किट मांगते हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स मांगते हैं, तो हमें लगता है कि अभी क्या करें, बच्चा बीमार है, लेकिन तब आप उसको बेकरी प्रोडक्ट्स दे सकते हो, क्योंकि अगर कुछ भी नहीं वो खाएगा तो बहुत ज्यादा उसको वीकनेस आ जाएगी, तो उसकी वजह से उसे तब आप दे सकते हो। और एक बात, उसे आप दूध जब भी दोगे उसे हल्दी डाल के दोगे, और जब भी उसको अगर नहलाने की बात आती है तो अगर उसको बुखार है तो आप सिर्फ स्पंजिंग कर लेना, और अगर उसको बुखार नहीं है 8 घंटे से अगर उसको बुखार नहीं है तो आप उसे वार्म वाटर से नहला सकते हो, बहुत बिल्कुल मतलब शॉर्ट उसकी उसका बेदिंग जो है, उसको नहलाना जो है बहुत शॉर्ट होना चाहिए, मतलब साबुन में रगड़ रगड़ के रख रहे ऐसे मत कर, टाइम मत जाना चाहिए उसको, पानी में बहुत ज्यादा देर तक नहीं कम उसे खेलना चाहिए, क्योंकि ये गर्म पानी से अगर नहलाते हो तो उसके बॉडी में जो स्वेटिंग आने की वजह से बॉडी भी गंदी होती रहती है, इसकी वजह से उसको इरिटेशन हो सकता है, हाइजीनिक भी नहीं रहता, इसलिए उसको बेदिंग करना बहुत जरूरी है। और देखिए वायरल फीवर में तो बहुत ज्यादा जॉइंट पेन होता है, बोन पेन होता है, मसल पेन होता है, और उसकी वजह से भी उसको नहलाना बहुत मतलब शॉर्ट होना चाहिए उसका नहलाना, लेकिन गुनगुने पानी से उसको जरूर नहलाना। और एक बात उसको कर देना कि बच्चों को बॉडी पेन बहुत ज्यादा रहता है तो उसको हाथ को और पांव को कोकोनट ऑयल से थोड़ा सा जेंटली मसाज करना, उससे वो अच्छा फील करेगा। और इस अभी बच्चों को समझता नहीं है, हेडेक होता रहता है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा सर में यहाँ पे भी थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लगा देना, उसके नेक में भी थोड़ा सा कोकोनट ऑयल आप जरूर लगा लेना, क्योंकि जब भी वायरल फीवर रहता है जॉइंट पेन बहुत ज्यादा रहता है। उसका खाने का परहेज रखना, खाने के लिए आप उसको चावल, पतला चावल, मूंग की दाल, मूंग की खिचड़ी उसको दे सकते हो, और एकदम हल्का हल्का खाना उसको देना है, और इतना भी अगर आप कर लोगे तो 24 आवर्स में उसका बुखार उतर जाता है तो ठीक है, अगर 24 आवर्स में उसका बुखार नहीं उतरता तो आपको वापस एक बार डॉक्टर के पास जाके उसको दिखाना चाहिए। और अक्सर ये पाया जाता है कि बच्चों को बुखार तो उसका उतर जाता है लेकिन उसके बाद में उसे खांसी आ जाती है, वो उसे बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाती है, और डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं अभी एंटीबायोटिक देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको वैसी कुछ जरूरत नहीं लगती, वो बोलते हैं कि नहीं अभी सीने में वैसे कुछ इन्फेक्शन नहीं है। तो तब आपको एक बात जरूर करनी है कि जैसे ही उसको बुखार आता है तो घर में, आपके घर में तो हल्दी रहती है, जिंजर रहता है, ब्लैक पेपर रहता है मतलब मिरी जिसे बोलते हो, और दालचीनी रहती है, और तुलसी के पत्ते रहते हैं, इतनी चीजें तो आपके घर में जरूर रहती है, तो इन चीजों को घर में एक ग्लास पानी में आप थोड़ी थोड़ी सी डाल के, पाव पाव चम्मच डाल के उबाल लेना, और एक 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 चम्मच दिन में 4-5 बार उसको दे देना, तो उसको खांसी नहीं होगी, बुखार के बाद उसको खांसी बिल्कुल नहीं होगी। और अगर उसको खांसी भी है उसके साथ में तो 2-2 चम्मच 3 बार आप उसे दे देना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।